everyone, welcome back to our channel. So, आज मैं करने वाली हूँ एक व्लॉग, और आपको पता है ये व्लॉग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल डेट है, आज है 27 मार्च, और अगर शायद आप लोग को याद ना भी हो तो मैं बताती हूँ, आज अलीशा का बर्थडे. तो वो तो बहुत ही हैप्पी है और मैं भी बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत एक्साइटेड है दोनों. और आज मैं करने वाली व्लॉग, और अभी तो सुबह हो रही है वैसे, तो वैसे आज हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं, बाहर भी जाना है हमें तो, बट अभी मैंने फिलहाल के लिए सोचा है कि कुछ तैयारियां वगैरह कर लेते हैं, तो चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने आपको इंशा से क्यों नहीं मिलवाया, मतलब वो तो बर्थडे गर्ल है, उससे क्यों नहीं मिलवाया, उससे सबसे पहले मिलवाना चाहिए. बट मैं आपको बता दूं कि उसकी इतना थोड़ी बहुत तबियत खराब थी और समझ नहीं करता कि मैं इतना सब कुछ करूं, बट मैंने उसको फोर्स कर रहा, सब लोग कह रहा था कि यार मतलब करना चाहिए सेलिब्रेट, साल में एक बार ही आता है, इसलिए तो वो अभी आराम कर लिया है. बट मैंने फिलहाल के लिए मैंने इतना सब कुछ करा है, और ये देखो इतने सारे बैलून्स मैंने अभी ब्लो कर लिए हैं, और अभी बार ये सबको वॉल पे लगाने की, तो वो तो बाहर जाके करना होगा. तो फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद आप लोग से मिल रही हूँ, और अभी एक्चुअली हमने डेकोरेशन तो कर दिया, लेकिन वो हमारे सामने वाले वॉल पर है, लेकिन हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे, मतलब अभी हम दोनों जा रहे हैं तैयार होने. तो अभी हम दोनों जा रहे हैं तैयार होने, और मतलब मैं कितना थक गई हूँ सब कुछ कर कर, बहुत ज़्यादा. मतलब आप लोगों को पता ही, डेकोरेशन हम दोनों ने ही करी है, और मतलब हम लोग के साथ हमारे भाई बहन ने भी हेल्प कराई है, लेकिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. और आपको अभी पता है अभी करीब 7:30 के आसपास हो रहा है, तो अभी अब हम जा रहे हैं रेडी होने, और तो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अब जब रेडी हो जाता है तब. बाय बाय बाय. सो फ्रेंड्स, अभी हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं, और वैसे हमने ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं करा है, हमने सिंपल ही लुक लिया है, और हमारी डेकोरेशन भी हो चुकी है, तो चलो हम आपको एक बार डेकोरेशन दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी हम एक्चुअली एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं इस व्लॉग को अभी ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए, और ये गेम होगा इंशा के बर्थडे के लिए स्पेशल. हाँ, तो इसमें मैं अपने से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने स्लिप पर भी लिखूंगी, और शफा खुद भी अपने स्लिप पर, और मुझे करना होगा मैच. हाँ. कि अगर मतलब वो आंसर सही होगा तो इंशा बताएगी कि वो सही है, और मुझे मिल जाएगा पॉइंट, और मुझे पता चल जाएगा कि मैं इंशा को कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ. तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली मैं टोटल 5 क्वेश्चन पूछूंगी, और तो चलो रेडी, 3, 2, 1 गो. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मुझे खुद भी अपने बारे में ध्यान नहीं पड़ा. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स माय फेवरेट कलर? आई नो, मुझे पता है, और तुम चीटिंग नहीं कर सकती शफा. तो टाइम्स अप, चलो 3, 2, 1 गो. ये तो ये पॉइंट शफा को मिल गया, एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो चलो शफा को पॉइंट मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज माय फेवरेट फास्ट फूड? मैंने ना दो ऑप्शन लिखे हैं. चल 3, 2, 1 गो. पिज़्ज़ा बर्गर. हम लोगों का सेम है बिल्कुल, मतलब ये पॉइंट भी शफा को जाता है. एक्चुअली इसके बाद हम लोग वही जाने वाले थे, तो इसलिए शफा को पता चल गया. बर्गर पिज़्ज़ा, इतने भी मेरे को वही लिखा है. बहुत अच्छे. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माय फेवरेट ड्रीम प्लेस, या जिस कंट्री मुझे घूमना है, या ऐसी कोई जगह, कोई भी जगह. आई नो दिस. 3, 2, 1 गो. फ्रांस. तीसरी बार हम दोनों का. तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये गेम खेलने में ज्यादा मजा तब आता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेल रहे हैं, 4-5 फ्रेंड्स के साथ, तो उससे मजा आता है कि होती बैठा. लेकिन शफा एक्चुअली मेरे साथ हटे मैंने, तो उसमें कोई मतलब बिल्कुल सही, और दोनों ऑप्शन ही सही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट?
आई नो दिस। 3, 2, 1 गो। मैंने एक ही लिखा है, इंग्लिश साइंस, और इंग्लिश मेरा सही है। हाँ तो मतलब ये वाला पॉइंट भी शपक को मिलता है। एक्चुअली शपक को अब तक 4 पॉइंट मिल चुके हैं। सॉरी, मैंने दूसरा ऑप्शन भी मैं साइंस लिखवा दी बट मैंने नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज माय फेवरेट हॉबी, या फिर जो भी मुझे फ्री टाइम में करना पसंद है। आई डोंट नो दिस बट ओके, मैंने दो लिखा। 3, 2, 1 गो। आई डोंट नो कि ये सही होगा कि नहीं, आपको तो दिखी नहीं रहा क्योंकि मैंने बहुत छोटू सा। हाँ तो मैंने लिखा है ड्राइंग एंड शूटिंग वीडियोस। मैंने लिखा है वॉचिंग सीरियल्स एंड यूजिंग फोन। ये पॉइंट शफा को नहीं मिलता है। मतलब शफा को बताना चाहिए कि मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है ड्राइंग की। हाँ है बट ऐसे बहुत टाइम से नहीं करा तो मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ तो ये पॉइंट शफा को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी वजह से शूटिंग वीडियोस तो ये वीडियो शूट करते ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद है लेकिन। तो मतलब शफा को 5 में से 4 पॉइंट शफा को मिलता है। हाँ हाँ बट मैंने एक्चुअली एक टाइप से रात वाला सही लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस वगैरह देखते हैं। हाँ, तो वो मेरी हॉबी नहीं है ना, मेरी हॉबी है, मैं भी हॉबी की बात कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, शफा को एक्चुअली 5 में से 4 पॉइंट मिलता है, इसका मतलब शफा मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से जानती है मुझे। तो फ्रेंड्स अब वेट खत्म होता है, अब बारी है केक कटिंग की। तो चलो ईशा तुम केक काटो। ये फ्रेंड्स ये सबसे पहले बेटा अब आपको जाती है। आई होप आप सब भी आज ईशा के बर्थडे बोलते हो, मतलब कितना मजा आता हम सब हाँ, साथ में। लेकिन आपको पता है ये वाला बर्थडे हम सिर्फ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अपने फैमिली के साथ एक बर्थडे अलग सेलिब्रेट कर रहा था, रात को भी कर रहा था। हाँ तो चलो यार, मुझे तो वेट ही नहीं रहा कि कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे टेस्ट भी तो करना है कि ये केक कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने एक छोटा सा गेम भी खेल लिया और केक वेक भी कट कर लिया है, अभी तक हमें बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं बाहर और हम आपसे वहीं पे मिलते हैं। बाय बाय। हमने काफ़ी सोचा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वैसे हमारा कोई घूमने का प्लान तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि चलो क्यों ना डोमिनोज चलते हैं ऐसे ही पिज़्ज़ा वगैरह खाने, और थोड़ा बाद बाहर भी चल जाएंगे। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं फाइनली। वैसे ये डोमिनोज हमारे घर के थोड़ा पास ही है, तो हमने सोचा चलो यहीं पर चलते हैं, और बस हम अंदर एंट्री करने ही वाले हैं। और ये देखो हम आ भी गए। फोटोशूट, ये चल रही है इसकी फोटोशूट, ये यही सब करते हैं यहाँ पर आने के बाद। और देखो फोटोशूट करिए, यहाँ पे कसम से इतनी अच्छी फोटो आ रही है ना, मतलब एंड प्रिंसेस। ओह, अभी हम डोमिनोज में आ चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर दे दिया है पिज़्ज़ा का, बट अभी वो आ रहा है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट्स तो वेटिंग टाइम रहेगा ही। उन्होंने बोला वेट, इसकी फोटो बहुत अच्छी आई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको फोटो दिखाती हूँ, अच्छी अच्छी फोटो आई है। अगर आपको हमारी ये सब फोटोज देखनी है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, आप अभी फॉलो करो और आपको हमारी सारी फोटोज दिख जाएंगी। आपको हमारी इंस्टाग्राम पे फोटोज, मतलब आपको हमारी ये सारी फोटोज देखनी है, बर्थडे की पिक्स और ये सब, तो आप लोग हमें अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, अभी अभी जाकर। आपको आईडी स्क्रीन पे देखिए। मैंने ऑर्डर तो कर दिया बट काफी देर से आ रहा है, और ये हम लोग बैठे बोर हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भी बोर हो रहे हैं। अब तो मैंने बहुत सारी फोटो खींच ली, अब मन नहीं कर रहा और अब इसका चलना है। हमारा भी ऑर्डर तो आ गया है और हमने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, लेकिन एक्चुअली हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करी क्योंकि आप लोगों को पता है हम दोनों की ही तबीयत ख़राब है, तो हम लोगों ने नहीं करी ऑर्डर, इसलिए हमारी मम्मी ने मना कर दिया। उसकी तो और तबीयत ख़राब है इसलिए। एक्चुअली मेरा कौन है, अनुषा का, अनिया हाँ, शफा का ये वाला है और मेरे ये वाला, तो कौन अच्छा होता है। हाँ तो अब हम आपको मिलेंगे बाद में। बाय।
अभी हम दोनों ने पिज्ज़ा भी खा लिया और डोमिनो से भी वापस आ गए और रास्ते में गोलगप्पे भी खाए। हाँ, गोलगप्पे पानी पूरी भी खा ली रास्ते में और सच में बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। लाइक अभी हम दोनों का जो ये तो रो रही है बेचारी, नहीं रो रही, बहुत स्पाइसी थी। लेकिन हम बस घर जा रहे हैं वापस, अभी हम घर जा रहे हैं वापस। तो फिर हम इस तरह के आपको एक बार भी दिखा देते हैं। मुँह से आग निकल रही है मेरे, इतना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था लेकिन मज़ा आ गया। अभी हमें मन कर रहा है ना पानी पीने, हमने इतना सारा पानी भी पिया है वो पानी पूरी वाला। हाँ, वो जो तीखा वाला पानी होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पेट में हो रही है और अब सही में बहुत मज़ा आया। अब हम वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ हो गया। केक हमने शाम ही कट कर लिया था, केक हमने शाम ही कट कर लिया था। अब बस घर जा रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होगी तो खींच लेंगे, नहीं तो फिर हम फोटोज़ हम केक कटिंग के टाइम पे ही क्लिक कर चुके हैं और अब तो बहुत थक गए हैं तो पता है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम अभी रोड पर हैं, हम रोड पर हैं इसलिए। चलो हम आपसे फिर अब घर जाने के बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी हम वापस भी आ गए हैं डोमिनो से, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, आज का ऐसा मेरे ब्लॉग काफी छोटा था लेकिन चलो फिर भी अब यहीं पे खाना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा थका, बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाए एंड बहुत मजा आया आज लिटरली। हम डोमिनो से भी आए हैं और हमने साथ में आज बहुत मजे करे और हम बहुत ज्यादा अभी थक भी गए एक्चुअली। अभी आपको पता है रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी भी थोड़ा बहुत फोटो वगैरह लेना बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप सबके इतने लवली विशेज लिए। मैंने आपके विशेज हर जगह इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह आपके कमेंट्स को आपके बर्थडे विशेज को देखा, उनको रिप्लाई भी करा, मैंने मतलब जितना रिप्लाई करना चाहिए मैंने रिप्लाई भी करा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे तक स्पेशल बना रखिए। तो चलो आपको हमारी आज की बर्थडे पिक्स देखनी होगी तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप जरूर देखना, वो आपको हमारी आई डी स्क्रीन पर देखनी होगी, जाकर हमें फॉलो करो और वहाँ पर हमारी रील्स एंड फोटोज वगैरह जरूर देखना। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।